बीकॉम पार्ट सेकंड की आज हम देख रहे हैं बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स के चैप्टर को. आपने इसमें इशू ऑफ शेयर्स देखा, इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स देखा आपने, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखा आपने, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखा. इसी कड़ी में हमने जो है आगे जिसके फाइनल अकाउंट्स भी देखे हैं और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स भी देखा है. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स भी एक टॉपिक था इसमें, जो कि थोड़ा सा अलग सा था. उसके लिए इसको अभी हमने लिया था, जो रिलेटेड थे वो हमने साथ में ले लिए. अब हम इसको भी ले रहे हैं, गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया जाए. बच्चों गुडविल आपको जैसा कि आप पढ़ के आए पहले, गुडविल कंपनी की वैल्यूएशन होता है, कंपनी की रेपुटेशन होती है, कंपनी की इज्जत होती है, कंपनी की इनकम होती, कमाई होती है, जो कि उसकी जो है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड होती है. और उसकी जो एक व्यापारी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहा है तो इसका ये उसकी गुडविल होती है. गुडविल एक इंटेंजिबल जो है रियल एसेट हमारी, इसको हम जो है कृत्रिम संपत्ति कहते हैं, जो दिखती नहीं है और ना ही हम उसको छू सकते हैं और पर ये जो है इसको हम खरीदा और बेचा जा सकता है. इसको हम पेपर्स में जो है शो कर सकते हैं कि जब व्यापारी जो अपना बिजनेस सेल करता है या परचेस करता है या अपनी कोई सिक्योरिटीज देता है तो वो ये कहता है कि भाई मेरी गुडविल इतनी है तो मैं मार्केट रेट से ज़्यादा लूँगा. अभी आप कंपनी रिलायंस के शेयर लेंगे या किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लेते हैं तो 100 रुपये का शेयर आपको 200 रुपये में दे रहे हैं फिर भी आप लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि कंपनी की गुडविल है, आपको पता है कि कंपनी अच्छा रिटर्न देगी. गुडविल रिलेटेड टू इट्स रिटर्न्स आल्सो. तो फीचर्स इसके गुडविल के हम देखना चाहेंगे तो वो ये हैं कि ये एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट है. वैल्यूएबल यानी इसकी वैल्यू हम आंक सकते हैं, मूल्य आंका जा सकता है इसका. इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स. ये कंपनी को जो है एक्सेस प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करती है. और इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. इसके वैल्यूएशन तब होता है जबकि पूरा बिजनेस सेल होता है, तब इसका वैल्यूएशन जो किया जा सकता है. फैक्टर्स क्या इसको जो है अफेक्ट करते हैं, ये जो है इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम देखेंगे. इसमें अ वेल एस्टेब्लिश फर्म अर्न्स ए गुड नेम इन द मार्केट, है ना, उसकी मार्केट में अच्छी जो है रेपुटेशन बनती है, ट्रस्ट डेवलप होता है उसका और वो मोर बिजनेस कर सकती है दूसरे न्यूली सेटअप बिजनेस से. तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस एडवांटेज दैट ए बायर इज रेडी टू पे इस टर्म एज गुडविल, है ना, उसको खरीदने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाता है बिजनेस को तो वो उसका मतलब वो गुडविल उसकी पे कर रहा है. ही विल बी एबल टू अर्न सुपर प्रॉफिट्स. उसको जो है नया बिजनेस नहीं करना पड़ रहा है, उसको पुराना बिजनेस सेटअप मिल रहा है और वो उसमें जो है सुपर प्रॉफिट्स अर्न करता है. तो ये सब गुडविल के कारण होता है. दस गुडविल एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ फर्म्स मेकिंग सुपर प्रॉफिट्स एंड नॉट इन द केस ऑफ फर्म्स अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस. तो यानी कि गुडविल कहाँ पर होगी, जिस फर्म में सुपर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स अधी प्रॉफिट अधी लाभ, लाभ से जो ज़्यादा थोड़ा मिल रहा है तब वहाँ पर जो है गुडविल क्रिएट होगी और जहाँ पर नहीं है तो नॉर्मल में नहीं होंगे. मेथड्स इसके हमारे पास में कौन से हैं, एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, है ना, इसके मेथड्स हैं. एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट हम निकालेंगे, उसके एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे. उस एवरेज प्रॉफिट्स क्या होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स होंगे नंबर ऑफ ईयर्स का, उसमें डिवाइड करेंगे. और गुडविल जो होगी वो क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये इसकी गुडविल हो गई. तो इसके मेथड्स हमारे पास में है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है. इस मेथड के अंदर गुडविल इज वैल्यूड एट द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. इसके स्टेप्स हैं, एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करते हैं आप, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन टू करते ही एवरेज कैपिटल आती है आपके पास में. कैलकुलेटिंग एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, हम जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमें जो है मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स निकालने होंगे कंपनी के, वो अलग से आप निकालेंगे. और फिर इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट्स आप निकालते हैं कंपनी के तो ये होंगे एवरेज कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. और सुपर प्रॉफिट्स निकालते हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो गुडविल बराबर होगी हमारी सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं कंपनी की, कंपनी की पूंजी कैसे है तो वो निकालते हैं एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच. एसेट साइड अप्रोच में क्या होता है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर करते हैं ऑल एसेट्स. हम एसेट साइड से देखते हैं कि हमारी गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड पूंजी कितनी लगी है, तो जो भी सारी संपत्तियाँ हैं उन सबको ऐड करके उसमें से जो है लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी. और अगर आप लाइबिलिटी साइड भी देखना चाहें तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कैपिटल और रिजर्व को जोड़िए और उसमें से गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दीजिए तो भी आपकी कैपिटल जो है एम्प्लॉयड आ जाएगी. तो ये तरीका है कैपिटल निकालने का. फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, औसत लाभों का पूंजीकरण जो किया जाएगा. तो इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो है डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न.
है ना, हम इसमें जो है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैपिटलाइजेशन वैल्यूज निकालेंगे, उसकी एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप्स टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाला आपने, कैपिटलाइज वैल्यू निकाली और उनको किया आपने। तो ये तरीका जो है इस तरह से इसको अपना करके हम जो है इनकी गुडविल की गणना करेंगे। धन्यवाद।